तो स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल में। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स के ऊपर जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ घर बैठ के भी और ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। तो उन गेम्स के ऊपर आप थोड़ा गेम प्ले करके बता देता हूँ कैसे उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, कैसे ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो आप चैनल पर नया तो जाना तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो बात करते हैं पहली गेम के ऊपर। जो हमारी पहली गेम है आज की वो है स्टम्बल गाइस, जो आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको करो ओपन। तो गेम स्टार्ट हो रही है। अब तो करते हैं गेम को करो स्टार्टअप पूरी तरह से। तो जैसे इस गेम को आपने अकेले ही ना, तो आपको डायरेक्टली नॉर्मल प्ले के ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें आप अपने फ्रेंड्स को लेकर जा सकते हैं, जैसे अपने इसमें आप अपने 32 प्लेयर्स को लेकर जा सकते हैं साथ में। तो मैंने अभी सिंगल स्टार्ट किया इस मैच को। तो इसमें काफ़ी स्टेजेस होते हैं जो रैंडमली लग जाते हैं खुदी। तो ये जो ये नॉर्मल स्टेज लगा है, जैसे अब इस स्टेज को फिनिश करने जाते हैं अलग अलग स्टेज लगते रहिए आ जाएंगे। तो कुछ ही नहीं टाइम पास के लिए, मतलब आप अपनी 32 प्लेयर्स लेके आप साथ में जा सकते हैं। तो इससे आपको क्या किया, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आप इसमें आपके साथ। फर्स्ट राउंड आप लोग मतलब आउट ऑफ 16 मैन होता है, लेकिन अभी नहीं आ पाएंगे। तो मतलब तो इसलिए क्लीन कर दिया है, मेरे को किसी स्टार्ट नहीं कर दिया मेरे मेरे को खेलना है। तो मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन बता दूँगा अपने फ्रेंड्स से कैसे खेल सकते हैं इसको। इसलिए आपको जाना है ये जो ऐड हटाते हैं पहले जाते हैं पार्टी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपको खुद रूम बनाना है तो आपको क्रिएट ऊपर ऑप्शन करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो कोड आया है रूम कोड लिखा है 11433, ये कोड जो आपको अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है। और जैसे आपको ये कोड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो वो यहाँ पर रूम कोड पे क्लिक करके इस कोड को एंटर करेगा। तो आप वो इस गेम के अंदर एंटर कर सकते हैं आपके साथ में, और साथ में आप खेल सकते हैं। तो बात करते हैं अब दूसरी गेम की। तो जो हमारी दूसरी गेम होने वाली है उसका नाम है बॉम्ब स्क्वैड। तो करते हैं उसको ओपन एक बार। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको वाईफाई के थ्रू भी खेल सकते हैं। तो करते हैं एक बार पहले सिंगल का प्ले। तो मैं इस गेम को पहले सिंगल खेल के बता देता हूँ आपको कैसे ये गेम है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले मैं नॉर्मली स्टेज खेल लेता हूँ। तो गेम स्टार्ट हो रही है, तो अभी मैं इसको सिंगल खेल रहा हूँ। तो इसमें मैं अभी सिंगल ही आया हूँ। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स से खेलेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स भी मिलेंगे जिनसे आप फाइट करते रहेंगे इसमें। तो ये सभी पावर से आप देख रहे हैं यहाँ पर मिल रही है मेरे को, जो अभी मुझे पंच मिला है। तो इसके साथ मैं खेल रहा हूँ अभी। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर स्टेज जो बम फैन पड़ा, ये सभी पावर्स मुझे मिली है अभी। इन सभी पावर्स के अलग अलग काम्स होते हैं। तो जैसे आप खेलते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा इस गेम के बारे में। इसमें जो मेरी अभी मेरी स्टेज लाइफ में 6 वेव होती है, इसमें आपको 6 वेव बस सर्वाइव करना पड़ता है, इसमें आपको मरना नहीं है 6 वेव तक। तो जैसे आप देख सकते हैं जब भी पावर मिलेगी यहाँ पर मेरे जो बम है वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे आपको यहाँ पे पावर्स मिलती रहेंगी अलग अलग, आपको वहाँ पे अलग अलग आपको पावर्स मिलती रहेंगी साथ साथ में ही। तो इस गेम में जो साउंड वेयर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे आप इनकी साउंड वेयर सुनते हैं जब जैसे इनको मारता हूँ या फिर इनको ऊपर से फेंकता हूँ, इनकी साउंड काफ़ी अच्छी आती है। तो इस मैच को मैं जीत गया, तो मैं आपको अगले प्रोसेस बता देता हूँ कैसे कैसे इस गेम को खेलना है, क्या क्या इसके स्टेजेस वगैरह होते हैं। तो जैसे देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे जैसे आप खेलते रहेंगे इस गेम को खेलते रहेंगे तो आपके नए नए स्टेजेस जो है अनलॉक होते रहेंगे। तो ये सभी आप ऑनलाइन खेल सकते हैं इन स्टेजेस को, ये ऑफलाइन भी खेल सकते हैं, सबका अलग अलग प्रोसीजर है। तो ये सभी स्टेजेस हैं जो मैंने अभी खेले नहीं खेलने हैं। तो इसमें आपको अलग अलग करेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। ये मल्टीप्लेयर गेम के स्टेजेस हैं सभी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। और अगर आप इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नियर बाई पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप उसके साथ हॉटस्पॉट साथ कनेक्ट होंगे तो आप उसके साथ खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर। तो वो आपको इसका स्टोर बता दें जहाँ से आप इस करेक्टर ले सकते हो। तो ये सभी करेक्टर जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो जैसे आप इस गेम को खेलते रहेंगे आपके पास करेक्टर आते रहेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।